स्तूपों का सर्वाधिक महत्व हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके शरीर के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए कई राज्यों में संघर्ष शुरू हुए। इस संघर्ष को समाप्त करने का काम द्रोण नामक ब्राह्मण ने किया। उन्हीं के सुझावों के आधार पर बुद्ध के अवशेषों के 8 भाग किए गए और इन्हीं 8 भागों पर 8 राज्यों में स्तूपों का निर्माण हुआ। चलिए जानते हैं प्राचीन काल में महत्वपूर्ण रहे स्तूप के बारे में। स्तूप शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द स्तु से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के चबूतरे से हुआ है। इसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर उसकी चुनी हुई अस्थियों को रखने से किया जाता था। स्तूप के प्रमुख भेद शारीरिक, पारिभोगिक, उद्देशिका और पूजार्थक स्तूप हैं, तथा इसके प्रमुख अंगों में वेदिका अर्थात रेलिंग, मेधी, अंड, हर्मिका, छत्र और सोपान शामिल हैं। स्तूपों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में सांची, भरहुत और पिपरहवा आदि प्रमुख हैं।